आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? और आप सबकी पूजा हुई या नहीं? मैं पूजा करने जा रही हूं, तो मैंने सोचा मैं पूजा के कमरे से ही आज अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूं। तो मैं मंदिर के आगे बैठी हूं और मंदिर से ही आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बस मम्मी ने पूजा कर ली है और सब ने भी पूजा कर ली है और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैं बना रही थी यहाँ पर जोत धूपबत्ती और यहाँ पे एक छोटी सी माला है फूलों की, अभी मंगवाई है। तो अब मैं ये माता को पहनाऊंगी माला। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। तो ये देखिए, ये है हमारा मंदिर। तो मैं सबसे पहले माता को पहना देती हूँ माला। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट। गाइस, मैं आप लोग को बताती हूँ, जो हम सामान कल लेके आए थे माता रानी का, वो सब यहाँ पे चढ़ चुका है। तो ये देखिए, ये है आसन, जो मैंने आसन आप लोग को दिखाया था वो आसन बिछा दिया है। और यहाँ पर है हमारी माता रानी और ये इनके ऊपर चढ़ाई है लाल चुन्नी, ये दुपट्टा है इनका और ये लहंगा है माता रानी का। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये पूरा मंदिर है और यहाँ पे चढ़ाई है अंदर वो वाली माला रिबन वाली और यहाँ पे चढ़ाई है फूलों की माला। तो ये है यहाँ का मंदिर। और मैं दिखाती हूँ घट स्थापना, जहाँ पे हम लोगों ने कलश वगैरह रखा है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी अखंड ज्योत, जो कि अब 8 या 9 दिन चलेगी। और यहाँ पर हमने बो दी है जौ, मिट्टी लाल की मम्मी ने यहाँ पे जौ बो दी है। और यहाँ पर है एक छोटे, उसमें भी जौ। तो ये होती है उषा जी के लिए। और यहाँ पर ये करी है घट स्थापना और यहाँ पर है छोटी सी एक मूर्ति लगा रखी है। तो ये देख लीजिए हमारा पूरा मंदिर। तो ये था हमारा मंदिर। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और पूजा मेरी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आई, मैंने किचन में गैस एकदम क्लीन करी, क्योंकि गैस बिल्कुल साफ़ करके ही व्रत में चाय बनाई जाती है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ और मम्मी चाय नहीं पी रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने पी ली थी पहले ही। और बस उनके लिए बनाया है मैंने दूध, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो अदरक वाला दूध पी रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं साथ साथ में बॉयल कर रही हूँ, दूध भी मेरा बॉयल हो रहा है साथ साथ में। और आप लोग बताइए कि आप लोग की पूजा कैसी हो, और बताइएगा कि हमारा मंदिर कैसा लगा आप लोगों को। मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो बस दूध भी बॉयल हो चुका है और यहाँ पर मैं लूँगी अपने लिए चाय और मम्मी के लिए दूध। तो चलिए पहले मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि व्रत के लिए हम लोग क्या क्या लेके आए हैं आज। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी हम लोगों ने पी ली थी, उसके बाद मम्मी और मैं कर रहे थे थोड़ी देर बैठ के बातें। और अभी आई हूँ मैं किचन में और मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि हम लोग नवरात्रि के लिए क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये आया है एक मखाने का पैकेट और ये है गणपति ब्रांड का, तो एक मखाने का पैकेट आया है। और आई है ये पीनट्स यानी कि मूँगफली, और ये है सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक है वो पीछे रखा है। और जब मैं शाम को पूरी या फिर कुछ पकौड़ी वगैरह बनाऊंगी सिंघाड़े के आटे की, तो मैं आप लोग के संग शेयर करूंगी पक्का। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपना पूरा सामान लेके, क्योंकि मैं कर रही हूँ इन सबको ट्रांसफ़र। जो ये दाल वगैरह, जैसे ये दाल वगैरह आई थी राजमा वगैरह, तो मैं इनको आज डब्बों में डाल रही हूँ, मतलब जो भी इनके
कंटेनर है उनमें मैंने डाल के रखी हूँ। और बस अभी दिन में मम्मी और मेरा तो फास्ट है, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, तो इनके लिए मैंने दाल बना दी है और राइस है वो सोप करके रख लिए। हम लोग दिन में चाय पियेंगे या फिर कुछ लस्सी वगैरह कुछ पी लेंगे। और बस शाम को जब मैं सब कुछ बनाऊंगी तो आप लोग के संग शेयर करूंगी पक्का। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं आज शाम को। तो मैं सारा सामान डाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हूँ अभी किचन में और बज गए हैं रात के 9 और मैं सुबह से आपको मिल रही हूँ। अब दिन में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि दिन में दिखाने के लिए ऐसा कुछ खास था नहीं, तो अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मेरा सारा डिनर बनके तैयार हो चुका है और आज डिनर बनाए मैंने डबल डबल, यानी कि व्रत का जो हमारा खाना था वो अलग और मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनका खाना अलग, नॉर्मल मतलब दाल वगैरह चावल जो बनना था वो बना है। तो चलिए फिर फटाफट मैं दिखा देती हूँ आपको खाना और मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है, मैं काफ़ी देर से किचन में थी इसलिए। तो बस अभी मैं फेस वॉश वगैरह करके उसके बाद डिनर करूँगी। तो खाने में मैंने काफ़ी कुछ बनाया है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और पूजा मैंने कर ली थी शाम को 7 बजे मेरी पूजा हो गई थी। तो बस अब मैं खाना आप लोग को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी भगवान जी को भोग और उसके बाद फिर हम करेंगे डिनर। तो चलिए पहले देखते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। ठीक है, सबसे पहले ये बनाई है मैंने सिंघाड़े की आटे की पूरियाँ और या फिर आप टिक्कियाँ कुछ भी कह सकते हैं, ये बनाई है। और फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से पे मैंने बनाई है आलू की रस्से वाली सब्जी, तो ये देखिए। और यहाँ पे मैंने खीर बनाई है, खीर हम सभी के लिए बनाई है मैंने, तो ये खीर है मखाने की खीर, ये देख लीजिए काफ़ी सिंपल होती है। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोग के संग शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाया है सिंपल दही का ऐसे ही हल्का सा रायता, सिर्फ जीरा वगैरह से इसको मैंने छौंक लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने बनाई है आलू की सूखी सब्जी, तो ये देखिए ये है आज का हमारा डिनर, रात का व्रत वाला खाना। तो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर क्या क्या बनाया। और अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और इसमें मैं भगवान जी को लगाने जा रही हूँ भोग, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे उसके बाद खाएंगे। इसमें मैंने हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी ऐड कर दी है। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी इसके बाद करूँगी डिनर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ बताइएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और बाय बाय। और एक बार फिर हैप्पी नवरात्रि आप सभी को और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।